रामपाल स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आज पांचवा दिन संपन्न हुआ। आज विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न मार्गों पर रोड शो किया गया। इस रोड शो में शामिल हुए बच्चों ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में रैली निकाली। प्रथम लाइन में महाराणा प्रताप अपने सैनिकों एवं सेनापति दानवीर भामाशाह के साथ थे। द्वितीय पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई अपने महिला सैनिकों के साथ, तो तीसरी पंक्ति में सन 1857 के क्रांति के महानायक वीर बाकुड़ा बाबू कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ दिखे। फिर आरंभ होता है स्वतंत्रता संग्राम के नायक एवं राष्ट्रपिता की अहिंसा काल का, जहां मोहनदास करमचंद गांधी अपने तीन बंदरों के साथ दांडी मार्च करते दिखे। तभी गरम दल के नेता भगत सिंह अपने साथियों सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ बम फोड़ते व पिस्तौल से लैस होकर चलते दिखे। 1942 की याद दिलाते हुए इसी धरती के लाल कवि कैलाश की उपस्थिति ने सबको आनंद विभोर कर दिया। अंत में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारों के साथ सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज के साथ साथियों से दिखे। इस रोड शो के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर जमकर तालियां बटोरी। रोड शो में भाई परमेश्वर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धीरेन्द्र सिंह, शंभू चौरसिया और विभु जैन बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। रोड शो टाउन थाना से प्रारंभ होकर धर्मन चौक, गोपाली चौक, जे रोड, शिवगंज हॉस्पिटल रोड, मठिया बाबू बाजार सहित होते हुए महिला कॉलेज से होते हुए महाराजा कॉलेज में जाकर संपन्न हुआ। विद्यालय द्वारा आयोजित रोड शो में बच्चों की ओर से प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम में राष्ट्रपिता एकता व अखंडता को बनाए रखने का जज्बा दिखा। शो में आयुष्मान राजेंद्र ने महात्मा गांधी, रजत शिखर ने कवि कैलाश, शाश्वत जैन ने चंद्रशेखर आजाद, नव्या जैन और आदरिका ने रानी लक्ष्मीबाई, शुभांशु ने वीर कुंवर सिंह, आकाश सिंह तोमर ने सुभाष चंद्र बोस, श्रेष्ठ विजय और राजवीर सिंह ने भगत सिंह, सुधांशु ने महाराणा प्रताप, सागर प्रकाश ने भाबा शाह की भूमिका निभाई। इस रोड शो में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन का अहम योगदान रहा। विद्यालय के निदेशक ने कहा कि वर्तमान युग में शिक्षा के साथ साथ किसी भी अन्य गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वेश कुमार, अरिहंत सिद्ध विजय जैन, हर्षित विजय एवं चांद, ज्योति कुमारी, रागिनी कविता, प्रेरणा दीक्षा, रविंद्र मिथिलेश, राहुल राकेश पाठक, पूजा सिंह, अमित रवि रंजन, विजय सरोज और संजय तिवारी आदि का योगदान रहा। साथ ही भोजपुर पुलिस प्रशासन का अहम भूमिका रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में।
ज्योति आवासीय विद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, छोटे छोटे बच्चे थे, अलग अलग देशभक्तों का स्वरूप बना था, क्या कहेंगे? आज हमारे अमृत महोत्सव का यह पांचवा दिन है और आज के दिन बच्चों ने विभिन्न देश भक्तों का, विभिन्न कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का रूप पकड़ लेकर लोगों को जन जागृति हेतु बाहर बाजार निकले थे और इन लोगों ने यह संदेश दिया है कि हमें एक मजबूत राष्ट्र की आवश्यकता है। ठीक है कि स्वतंत्रता से 75 साल पहले मिल गई, लेकिन आज पुनः आवश्यकता है संगठित होकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की। लगातार सर दो दिनों से, एक सप्ताह तो चल ही रहा है, दो दिनों से लगातार झांकी और प्रदर्शन, इस तरीके का कार्यक्रम आखिर सड़कों पर की, इसलिए कि सिर्फ बच्चों के बीच स्कूल में कार्यक्रम करने से गिने चुने बच्चों के बीच ही यह कार्यक्रम और हमारा संदेश जा सकता था, लेकिन जब बच्चों ने झांकी सड़क पर निकाली तो बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ जन जन तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने में कुछ सफलता मिली है। बच्चे काफी उत्साहित है सर, लॉकडाउन में पिछले पौने दो वर्षों से जो कमियां थी, क्या इस एक सप्ताह के पूरा डोज से पूरा हो पाएगा? डोज से कभी ये पूरा नहीं हो सकता, 1.5 साल की कमियां, परंतु एक प्रयास है कि बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए, क्योंकि कुछ अवसाद में जा रहे थे, कुछ बच्चे डल हो रहे थे, कुछ बच्चों की राइटिंग कैपेसिटी कम हो रही थी, तो पुनः एक बार एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों में एक जागृति लाएं कि नहीं, हम पुराने स्थिति में पुनः आ चुके हैं, और जब बच्चों में यह विश्वास होगा कि हम पुरानी परिस्थिति में आ गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी सोच में, उनके अवसाद में कमी आएगी और बच्चे अच्छा सोचेंगे। कल नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया है विभिन्न नुक्कड़ों पर, उसका थीम क्या होगा सर? उसका भी थीम राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता और बढ़ते हिंदुस्तान पे लोगों को संदेश देना कि हम, हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, हम तरक्की की ओर हैं, सिर्फ आवश्यकता है संगठित होकर एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का। कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका में सर क्या क्या है? आज के कार्यक्रम की सफलता में सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने पिछले दो दिनों से हमारी झांकी निकल रही है, बच्चे रोड पर रैली निकाल रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है, उनकी दो गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, ट्रैफिक का पूरा पालन कराया जा रहा है, कहीं जाम नहीं लगने दिया जा रहा, तो मैं सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं अपने सारे शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन लोगों की मेहनत से ही ऐसा हो सका। उसके बाद मैं अपने सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने भाग लिया और उनके अभिभावकों को का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हमारा यह कार्यक्रम सड़कों पर उपलब्ध नहीं हो सकता। उसके बाद मैं अपने साथियों का, जिनका सहयोग हमें इस प्रकार के आयोजनों में मिलता रहा है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके प्रेरणा से और सहयोग से ही कार्यक्रम होता है और बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।